तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन की एक बहुत ही जबरदस्त सी परचेज जो की है मैंने, और मेरे लिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, काफी यूजफुल हुई है। तो मुझे लगा कि इस परचेज को आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपके घर की कोई ना कोई प्रॉब्लम दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये एब्जॉर्बिया का मॉइस्चर एब्जॉर्बर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है, और इसे ऊपर से टियर करके आपको उन जगहों पर रखना होता है जहां पर आपको लगता है कि मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से बैड स्मेल आ रही है। तो ये रिमूव करता है मस्टी स्मेल को, मोल्ड्स और फंगस को दूर करता है, और एलर्जी से भी हमें प्रिवेंट करता है। और साथ साथ इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स से पड़े होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सूटकेस वगैरह में, ड्रॉर्स में, इसके साथ साथ जिम बैग्स में, और शूज़ के उन एरियाज में आप इसे रख सकते हैं जहां पर लगता है कि आपको बैड स्मेल या मॉइस्चर क्रिएट हो सकता है। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपना एक्सपीरियंस कि इसे मैंने कहां पर यूज़ किया था। अपने किचन में जो मेरा एल शेप का किचन है उसमें जो कॉर्नर का कैबिनेट क्रिएट होता है उसे जब भी मैं ओपन करती थी वहां पर कितना भी सफाई रखो एक बैड स्मेल सी हमेशा ही आती रहती थी। तो मैंने इसे वहाँ पर प्लेस कर दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेक्स्ट डे से ही वो स्मेल एकदम ही गायब हो गई। तो ये एक काफ़ी इफ़ेक्टिव सा प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में ऐसा कोई कॉर्नर है या ऐसी कोई जगह है जहाँ से आप परेशान हैं मेरी तरह, तो इसे आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की, और ये मेरा जो अगला प्रोडक्ट है वो है हार्पिक का ड्रेन एक्सपर्ट पाउडर। और इस पैकिंग के अंदर हमें मिलते हैं 8 ऐसे सैशेज जो ये कुछ आप देख पा रहे हैं, इस तरह के छोटे सैशेज हैं, और इनको वन टाइम यूज़ करना होता है, और ये क्लियर करते हैं आपके घर की ड्रेनेज को। और ये दावा करते हैं कि ये जो ड्रेनेज में फंसे हुए बाल होते हैं, स्पेशली हम लोग डरे हुए रहते हैं कि कहीं बाथरूम ड्रेनेज में बाल ना फंस जाएँ या जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, फिर बहुत लंबा काम हो जाए, तो उनको रिमूव करने का पूरा दावा करते हैं। एक रिलायबल कंपनी है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। और इस प्रोडक्ट का दावा है कि ये 30 मिनट्स में ब्लॉकेज को खोलता है, और इसके अलावा इसे हम यूज़ कर सकते हैं किचन के सिंक में, शावर स्टॉल में, और साथ साथ बाथरूम के सिंक में। तो इस तरह के एक प्रोडक्ट का हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर में ब्लॉकेज तो कहीं ना कहीं होती ही रहती है। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट है, और आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये है एक लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर जो हमारे कपड़ों पर अक्सर बबल से पड़ जाते हैं, रोएं आ जाते हैं, अक्सर सस्ते तो क्या महंगे कपड़ों में भी बबल्स आ ही जाते हैं, तो उस केस में हमारा कपड़ा भी पूरी तरह से ख़राब दिखने लगता है। तो ये एक लाइफ सेवर की तरह काम कर सकता है, और ये एक चार्जेबल मशीन है जो कि लिंट्स को बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिमूव कर पाती है। साइड में यहाँ पर ऑन या ऑफ का बटन दिया हुआ है, काफ़ी हैंडी है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी भी घर में इस तरह का एक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके पीछे एक एडिशनल ब्रश दिया हुआ होता है, और ये उस काम में आता है जब एक फैब्रिक पर किसी दूसरे फैब्रिक के रोए चिपक जाते हैं उन्हें रिमूव करने के, और अक्सर ऐसा तब होता है जब वॉशिंग के दौरान एक दूसरे के साथ कपड़े धुले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लिंट्स को कैसे रिमूव करता है। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की,
और ये है एक ओवर द डोर हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। इसमें आपको नेलिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम हैंगिंग आखिर किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इसके हुक्स दिए गए हैं और इन हुक्स को आपको डोर पर इस तरह से बस हैंग कर देना है और यहाँ पर इस पैग्स को, इन पैग्स को लगा देना है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये काफ़ी वाइड है और मेरे डोर्स के हिसाब से ये काफ़ी चौड़ा है, उसमें ढीला हो रहा है, तो इसे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। पर आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप इस तरह का हैंगर ले रहे हैं तो इस मेज़रमेंट को ज़रूर देख लीजिए। एंड ओवरऑल क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा है, पैक्स भी एक प्रॉपर डिस्टेंस पर दिए गए हैं और इनमें काफ़ी अच्छी डिस्टेंस है किसी भी सामान को हैंग करने के लिए। और अगला प्रोडक्ट जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी ये है अगारो का कर्ड मेकर या योगर्ट मेकर, और इसे मैंने ऑर्डर किया था तो आज ही ये रिसीव हुआ है, तो मुझे लगा कि इसको भी आपको मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ये ऊपर की तरफ से एक ये लिड दी गई है और ये सेकेंड एक छोटी लिड दी गई है और साथ ही यहाँ पर एक अच्छा सा कंटेनर दिया हुआ है। स्टील इसका काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लग रहा है और इसके स्पेशल बात यह है कि मैंने बहुत सारे कर्ड मेकर देखे थे ऑनलाइन अमेज़ॉन पर, तो उन सभी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1 लीटर ही थी और इसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दही जमाया जा सकता है। बाकी ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है और अगर आप किसी ऑफ सीज़न में हैं, ठंडी के सीज़न में हैं, जब दही वगैरह जमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में इस तरह की मशीन्स लाइफ सेवर होती हैं। तो इसमें मैं आज जमाने वाली हूँ दही और आप मेरे इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँगी आपके कमेंट्स में कि मेरा इसमें दही कितना अच्छा जम पाया या नहीं जम पाया। फ्रेंड्स, अगर आप घर के मेंटेनेंस और उसके रखरखाव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं तो आप राइट साइड की वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट WD-40 के सारे यूसेज को, उसके प्लस माइनस सारे पॉइंट्स को आपके साथ शेयर किया है। तो फटाफट से आप राइट साइड की वीडियो को क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।